नमस्कार स्वागत है आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर छः से बारह पर मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी सीआईटी के ईटी और आईसीटी सीरीज़ के आज के वेबिनार में हम बात करेंगे क्रिएटिंग क्विज यूजिंग क्विज अलाइज एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से क्विज़ किस तरह से तैयार किया जा सकता है और ये क्यों बाक़ी बाकी जो क्विज़ क्रिएटिंग एप्लीकेशंस या प्लेटफॉर्म हैं उनसे ये कैसे डिफरेंट है ये सब कुछ जानेंगे बहुत आसान भाषा में आसान आसान तरीके से इसका प्रेजेंटेशन भी आप देखेंगे ताकि आप सहजता से बहुत आसानी से इस एप्लीकेशन का इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए क्विज़ क्रिएट कर सकें जनरेट कर हैं और शिक्षा में अपने छात्रों के पढ़ाई के काम को और तेज़ी से आगे बढ़ा सकें और आपको भी मदद मिले एक शिक्षक के तौर पर और ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ हमारी आज की एक्सपर्ट जो स्टूडियो में उपस्थित हैं उनका परिचय कराते हैं हमारे साथ हैं संगीता पांचाल मैम जो कि हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग दिल्ली मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एच रही हैं है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार और साथ ही मैम के बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि 2018 की आई सी अवार्डी हैं और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में वर्ष दो से कंप्यूटर साइंस की क्लास वन से लेकर क्लास टेंथ तक की सब्जेक्ट की कंप्यूटर uh, साइंस की पुस्तक लिखती रही हैं और सौ से ज़्यादा बुक्स uh, मैम की रिलीज़ हो चुकी है कंप्यूटर साइंस पर तो एक अच्छी समझ रखती हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में और निश्चित तौर पर uh, मैम के सानिध्य में आज का जो सेशन है वो आपके लिए मददगार हो सकता है तो सबसे पहला सवाल इस प्रश्न इस विषय के इर्द गिर्द मैं लेना चाहूँगा क्विज़ के बारे में ही लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार इंटीमेट कर दूँ कि आप भी इस इस सेशन का इस इंटरेक्टिव सेशन का हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए आप यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब पर एन ऑफिशियल चैनल पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं लाइव सेशन के दौरान और आप हमें फ़ोन नंबर के माध्यम से भी लिख सकते हैं फ़ोन नंबर पर अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन और ईमेल एड्रेस के माध्यम से भी आप हमें अपनी बात पहुंचा सकते हैं ट्रेनिंग डॉट हेल्प डेस्क एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई इन तो इन माध्यमों से आप इस सत्र का हिस्सा बनिए और जानिए कि कैसे क्विज़ क्विजलाइज के माध्यम से जनरेट किया जा सकता है पहला प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्विज़ क्या है और इसकी उपयोगिता शैक्षणिक कार्यों में क्या है क्विज बच्चों को एक तो बहुत पसंद आता है जी और इसको हम कहते हैं फन वे लर्निंग आल्सो जी और दूसरा ये घर जाकर मोबाइल पर डेस्कटॉप पर किसी पे भी चला सकते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जी टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है अगर वो एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद क्विज देने से बच्चों वो चेक कर सकती है कि बच्चों ने कितना ग्रेस्ट किया है जी बच्चों ने उस चैप्टर से कुछ सीखा है या टीचर को किसी और चीज़ की मदद लेनी चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए तीसरा इसका ये है कि इससे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में हैं आप उनको एक असेसमेंट दे सकते हैं और बच्चे अपने कंफर्ट जोन में जाके उसको रन कर सकते हैं और उनके जो मार्क्स आएंगे फाइनली आप इसको एक एक्सेल फाइल में लोड कर सकते हैं तो इस तरह से टीचर वर्कलोड भी कम हो जाता है जी तो ये आ, क्विज के फायदे हैं क्विज से जो पाठ बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एसेस करना और इससे बच्चों का भी एक इन्वॉल्वमेंट सेशन में या क्लासेस में सब्जेक्ट के प्रति जो इन्वॉल्वमेंट है सक्रियता है वो भी बढ़ जाती है क्योंकि उनको ये पता है कि इमीडिएटली आज ही उनको टीचर को जवाब भी देना है क्विज के माध्यम से तो इसलिए उनको ध्यान देकर के पढ़ाई करनी पड़ेगी बिल्कुल टीचर को ध्यान से सुनना पड़ेगा पड़े ना, पड़े ना पड़े कि आपस में बातें करना होगा कई बार बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो इस तरह की चीजें करते हैं तो मैम ये क्विज अलाइज ऐप जो है क्या है इसकी विशेषताएं इसके बारे में बताएं वैसे तो बहुत सारे बहुत सारी एप्स हैं जी आप इंटरनेट पे देखिए बहुत सारी एप्स अवेलेबल है जिसमें आप क्विज बना सकते हैं जी लगभग सारी ऐप में कुछ फीचर्स फ्री होते हैं और कुछ पेड वर्जन पर होते हैं अगर आपको एडवांस फीचर चाहिए तो आपको पे करना जी, पड़ेगा जी, इस तरह से कोई अलाइज में भी है इसमें आप डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट कर सकते हैं क्वेश्चन इस तरह से आ, बना सकते हैं कि स्टूडेंट को भी पढ़ने में अच्छा लगे और आंसर देने में भी उनको इंटरेस्ट आए ओके तो इसमें डिफरेंट तरीके से आप क्वेश्चन दे सकते हैं जो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे दिया जा सकता है जी जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए जी चलिए तो अब बताएं आपकी ये ऐप आप कैसा दिखता है और किस तरह से ये काम करता है या किस तरह से कोई इसको उपयोग कर सकता है चलिए तो पहले मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगी उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्विज एलाइज में जाके हम कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं आजकल एक एआई का फीचर आया है जो ऑलमोस्ट सारी ऐप्स में आपको मिलेगा इसमें आपको सिर्फ टॉपिक डालना होता है और क्वेश्चन अपने आप प्रिपेयर होके आते हैं फिर उसके बाद आपके पास चॉइस होती है कि उन क्वेश्चन को आपको ऐसे ही लेना है या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन क्विजलाइज सबसे पहले मैं इसके फीचर बता दूं कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि इसको गेमीफाइड वे में फॉर्मेटिव असेसमेंट में यूज किया जा सकता है और टीचर क्विज़ ले सकती है अपने रिसोर्स resource, कुछ रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं जहाँ से टीचर क्विज़ uh, uh, ले सकती हैं और अपने आप भी बना सकते हैं और जब स्टूडेंट इसको कर रहे होंगे तो वो अपनी प्रोग्रेस भी देख सकते हैं और टीचर भी स्टूडेंट की प्रोग्रेस दे सकती है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं सेकेंड अटैम्प्ट में कितने मार्क्स आए हैं और थर्ड अटैम्प्ट में कितने मार्क्स आए हैं अगर आपका पेड वर्जन है तो आप इसमें क्लासेस भी बना सकते हैं और इसको गूगल क्लासरूम के साथ भी अटैच कर सकते हैं लेकिन ये फीचर अवेलेबल है पेड वर्जन में स्टूडेंट प्ले कर सकते हैं गेम बाय ज्वाइन कर सकते हैं इसको क्लास कोड के साथ और क्विज लेने के बाद स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा कि उनके कितने मार्क्स आए हैं और उनको कितनी मेहनत और करनी है टॉपिक को समझने में टीचर्स के लिए भी ये बहुत ईजी है कि जब सारे स्टूडेंट्स कोइज uh, ले लें तो उनके पास एक एनालिसिस आ जाएगी जिसमें उनको पता लगेगा कि स्टूडेंट्स कौन से स्ट्रांग हैं स्ट्रांग मतलब जिनको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और किन स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए उसके अकॉर्डिंग टीचर्स एक डॉक्यूमेंट बना सकती है यूट्यूब लिंक दे सकते हैं या फिर पी में डेटा दे सकते हैं स्टूडेंट उसको पढ़ेंगे और फिर से एक बार क्विज़ को अटेंड करेंगे कुछ और एडवांटेज है जो हम इसमें बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स क्विज को एक से ज़्यादा बार भी ले सकते हैं और हर बार अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि उन्होंने पिछली बार से इसको कितना ज़्यादा बेटर किया है तो ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है क्विज़ आप इंडिविजुअल भी खेल सकते हैं और टीम में भी खेल सकते हैं अगर सपोज़ एक क्लास में पचास स्टूडेंट हैं और दस टर्मिनल हैं तो टीचर्स इसमें टीम भी बना सकती है और क्विज टीम को भी अलॉट किया जा सकता है क्विज इस तरह से बनाना चाहिए कि उसमें सब टॉपिक्स हो ताकि टीचर्स को इज़ीली क्लियर हो जाए कि कौन सा टॉपिक फिर से रिपीट करना है इसमें ई कंटेंट ऐड किए जा सकते हैं मटेरियल ऐड किया जा सकता है जिसमें स्कूल की अंडरस्टैंडिंग हो और स्टूडेंट बेटर प्रिपेयर कर सके सबसे अच्छी बात है इसमें कोई लॉगिन नहीं चाहिए कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी है क्विज लाइज अटेम्प्ट करने के लिए हम इसको कहते हैं ये प्रीमियम सॉफ्टवेयर है बहुत सारी ऑप्शंस इसमें फ्री है जिसमें हम काम कर सकते हैं लेकिन अगर हम मुझे एडवांस फीचर चाहिए तो मुझे इसके लिए पे करना पड़ेगा और फाइनली जब सब स्टूडेंट्स ने क्विज दे दिया है तो हम इसका रिजल्ट्स एक्सेल फाइल में ले सकते हैं और फ्री वर्जन में सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए अवेलेबल है लेकिन अगर आप पेड वर्जन हैं तो आप यू कैन आप इसको मल्टीपल एक्टिविटी के लिए भी ले सकते हैं एक ड्रॉबैक इसमें यह है कि इसमें जो इंडियन करिकुलम है अपडेट नहीं है उसके लिए आपको टीचर को क्विज स्क्रैच से बनाना पड़ेगा बिगनिंग से बनाना पड़ेगा उसके रिसोर्सेज इसमें अवेलेबल नहीं हैं पहले हाउ टू क्रिएट ए टीचर अकाउंट सबसे पहले क्विज लाइज लेने के लिए किसी भी ब्राउजर में आप जाइए और एड्रेस बार में टाइप करिए क्विज लाइज डॉट कॉम अब आप देखेंगे ये स्क्रीन आ जाएगा इसमें टीचर्स आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं स्टार्ट हेयर है, इट इज फ्री आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं ये फ्री है इसको क्लिक करिए आपके पास ये नेक्स्ट स्क्रीन आएगा जो बाई तरफ दिया हुआ है या आप स्कूल ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं और पासवर्ड डाल सकते हैं या फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ एक नेक्स्ट स्क्रीन आएगा हम इसको अटैच कर सकते हैं गूगल क्लासरूम से गूगल से और ऑफिस थ्री सिक्स फाइव से तो मैंने इसको गूगल से अटैच किया हुआ है उसको क्लिक करिए यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करिए तब आपके पास ये लाइज का ये स्क्रीन आएगा आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें चार ऑप्शन है माई क्लासेस फाइंड एड्रेस रिसोर्सेस माई लाइब्रेरी एंड क्रिएट ये चार ऑप्शन आपको ये चार टैब आपको मिलेंगे एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या अवेलेबल है और क्या हम ले सकते हैं इनसे यहाँ मैंने माई क्लासेस क्लिक किया है आप देख सकती हैं कि लेफ्ट साइड में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं माई फर्स्ट क्लास फ्री वर्जन में सिर्फ यही अवेलेबल है इसमें आप एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं एक्टिविटीज मतलब कि डिफरेंट क्विज आप इसमें ऐड कर सकते हैं और ऑप्शन जिसमें आपको ये क्राउन का साइन दिख रहा है ये सारी पेड वर्जन में अवेलेबल है तो आ, यहां मैंने कुछ क्विज ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं आप देख सकते हैं अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये क्विज यहां पर कैसे ऐड करेंगे सेकेंड ऑप्शन फाइंड रिसोर्सेस कुछ रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है इसका मतलब इसके क्विज ऑलरेडी अवेलेबल है यहां पर आप देख सकते हैं फन मैथमेटिक्स साइंस कंप्यूटर साइंस सपोज मैंने यहां पर कंप्यूटर साइंस क्लिक किया उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ गई जनरल पाइथन स्क्रैच माइक्रोबिट और मैंने ये ऑप्शन ली है स्क्रैच प्रोग्रामिंग टू और मैंने सिंपली यहां पर ओपन को क्लिक किया है जब मैंने यहां पर ओपन को क्लिक किया आप देख सकते हैं एक क्विज मेरे स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन वन बाय एट इसमें आठ क्वेश्चन है जो एक एक करके स्क्रीन पर आएंगे आप इसको एडिट कर सकते हैं ऑप्शन अवेलेबल है लेफ्ट साइड पर अगर आपको लगता है ये क्विज सुटेबल है आपकी क्लास के लिए आप इसको क्लास को दे सकते हैं टीम को दे सकते हैं एज ए होमवर्क सारी ऑप्शन राइट साइड पर अवेलेबल है इसको एज ए होमवर्क दे सकते हैं और एज एन एग्जाम दे सकते हैं जब मैं एज ए होमवर्क करूंगी उसमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है मुझे डिसाइड करना है कि मुझे उसको ऑन रखना है या ऑफ रखना है ये हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकली इस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो आपने देखा दो मिनट में मेरे पास स्क्रैच प्रोग्रामिंग का क्विज रेडी होकर आ गया है नेक्स्ट ऑप्शन जो इसमें है वो है माई लाइब्रेरी माय लाइब्रेरी ये मेरी अपनी लाइब्रेरी है जिसमें मैंने अपने ही क्विज बनाए हुए हैं जो मैं अपने क्लास को किसी भी टाइम दे सकते हूं उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है क्रिएट अब आप इसमें देख सकते हैं मेक ए स्मार्ट क्विज विद ए आई हेल्प आप ए आई की हेल्प से क्विज बना सकते हैं क्लासिक क्विज एडिटर या आप स्क्रैच से क्विज बना सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्ले क्वजेज यू हैव ऑलरेडी मेड अगर आपने गूगल फॉर्म में कोई क्विज बनाया है ले सकते हैं यहां पे क्विजलेट में बनाया है या स्प्रेडशीट में कोई क्विज बनाया है तो आप यहां से ले सकते हैं थर्ड ऑप्शन में आप अपनी क्लास को पीडीएफ फाइल दे सकते हैं पढ़ने के लिए यूट्यूब वीडियो या कोई एक लिंक दे सकते हैं ना यहां मैं क्विज क्रिएट कर रही हूं ए की मदद से मैंने सिर्फ लिखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम लेफ्ट साइड पे रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देख सकते हैं कि राइट right साइड पे कुछ क्वेश्चन आए हैं अगर मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मेरे कंटेंट के अकॉर्डिंग है तो सब क्वेश्चन के आगे एक प्लस का साइन है मैं इस प्लस के साइन को क्लिक करूंगी, तो सारे क्वेश्चन मेरे क्विज में ऐड हो जाएंगे फिर मेरे पास ऑप्शन आती है कि इसको सेव करके ऐसे ही यूज़ करना है या एडिट करना है वो मेरी चॉइस है मैं इसमें एडिट भी कर सकती हूँ या फिर इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हो तो एक मिनट में मेरे पास ए आई के थ्रू ये क्विज दूसरी ऑप्शन आती है क्रिएट क्विज यूजिंग क्लास क्विज एडिटर यहां पे आपको स्क्रैच से क्विज ऐड करना है एक ऑप्शन आप देखेंगे इसमें इंपोर्ट फ्रॉम स्प्रेडशीट आप स्प्रेडशीट से भी क्विज ले सकते हैं और इंपोर्ट फ्रॉम क्विजलेट क्विजलेट भी एक क्विज uh, ऐप है आप वहां से भी ले सकते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप ले सकते हैं वो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन और उनकी फॉर्मेट कैसे होनी चाहिए यहां मैंने एक हेल्प फाइल ली है क्विजलाइस से जिसमें आपको बताया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे एड किए जा सकते हैं तो ये हेल्प फाइल है क्विजलाइस की जो मैंने ओपन की है सबसे पहले तो ये क्लियर है कि क्रिएट आप कर सकते हैं ए के माध्यम से और आप स्क्रैच से भी क्रिएट कर सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं तो फर्स्ट फॉर्मेट है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल चॉइस में आप देख सकते हैं इस तरह का स्क्रीन आएगा मैं आपको सारी ऑप्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ ये डोरेशन है इसकी डोरेशन है थर्टी सेकेंड्स इसको मैं इंक्रीज या डिक्रीज कम भी कर सकती हूँ और ज़्यादा भी कर सकती हूँ रीड अलाउड अगर कोई डिसेबल चाइल्ड है उसके लिए हम ये ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं यहाँ से मैंने मल्टीपल चॉइस पिकअप किया है फिक्स आंसर ऑर्डर इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूं कि इसका मीनिंग क्या है यहां मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द ह्यूमन बॉडी बिगेस्ट ऑर्गन आंसर फर्स्ट आंसर करेक्ट होना चाहिए यहां पे मैंने लिखा है स्किन और बाकी इनकरेक्ट आंसर है जब इसको रन करेंगे इस तरह से कुछ स्क्रीन पर आएगा वट इज द ह्यूमन बॉडी बिगेस्ट ऑर्गन आप देख सकते हैं ट्वेंटी नाइन ये टाइमर है क्योंकि वहां मैंने इसको थर्टी सेकेंड्स के लिए ऑन किया है और मेरे पास ये चार ऑप्शन आ जाएंगे जो ऑप्शन आपको लगता है ठीक है उसको आप क्लिक करिए अगर मैंने फिक्स आंसर ऑर्डर को ऑन किया है तो आप देखेंगे कि चॉइसेस के आगे आ गया है ए बी सी डी और ये इसी फॉर्मेट में आएगा आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्क्रीन में ए स्किन डी आप देखेंगे कि लेफ्ट अपर साइड पे लिखा हुआ है एक वीडियो है इसमें जिसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन कैसे कैसे ले रहे हैं हम क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस है यहां पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आंसर पहला आंसर करेक्ट है एड एन आंसर अब मैं इसमें इनकरेक्ट आंसर सारे ऐड कर रही हूं स्टूडेंट प्रीव्यू यहां हम देख सकते हैं कि इसका प्रीव्यू कैसे होगा आंसर करेक्ट आपके पास आ गया स्कोर कितना टाइम आपने लिया है यह ऑप्शन अवेलेबल है अब फिक्स ऑर्डर यस है आप देखेंगे एबीसीडी यहां पर आ गया है आपने इस करेक्ट ऑप्शन को क्लिक किया और आपके पास आंसर आ गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद इमेजेस अगर आपको और बेटर बनाना है क्वेज तो मल्टीपल चॉइस के आगे आप इमेज भी डाल सकते हैं आप देखिए विच इज ए कनाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसके आगे मैंने इमेज डाली हुई है एक करेक्ट के लिए डाली है एक इनकरेक्ट के लिए डाली है और इसमें और इमेजेस भी मैं डाल सकते अब इमेज डालने के लिए आप देखेंगे कि राइट right साइड पर एक इमेज का बटन है जहां से आप चॉइसेस लेते हैं एक इमेज का बटन है राइट right साइड पर वो हमें क्लिक करना है इसको कैसे करेंगे जैसे ही उसको क्लिक करेंगे एक मेरे पास स्क्रीन आएगा जिसमें या तो मैं चूज फाइल करूंगी ड्रैग भी कर सकते हैं इस फाइल को और या फिर हम यहां पे यू आर एल इमेज का एड्रेस यहां पर पेस्ट कर सकते हैं तो दोनों में से एक ऑप्शन आप कर सकते हैं उसके बाद आप कंफर्म बटन को प्रेस करेंगे जैसे ही आप करेंगे आप देखेंगे ये पिक्चर ऑप्शन uh, में ये पिक्चर्स आ जाएंगी आप इसको एक बटन है इन लार्ज इमेज इन लार्ज इमेज जब आप करेंगे आप देख सकते हैं इमेज को इन लार्ज करके जब आप इसको रन करेंगे देखिए ये कैसे दिखता है यहां पे हमने पिक्चर यहाँ से ली कॉपी इमेज एड्रेस यू और यहाँ पर पेस्ट कर दिया ये पिक्चर यहां पर आ गई इस तरह से सेकंड ऑप्शन का मैंने इमेज लिया कॉपी किया यूआरएल और यहां पे पेस्ट कर दिया सेकंड पिक्चर आ गए इस तरह थर्ड ऑप्शन का आप इमेज बटन क्लिक करेंगे और वहां से ऑप्शन लेंगे अगर आपको इमेज क्लियर नहीं है तो आप इन लार्ज इमेज का बटन क्लिक कर सकते हैं इमेज को अच्छे से देख सकते हैं

शुरुआत में ही मैम ने ये कहा कि ये एक फ्री ऐप ज़रूर है लेकिन कुछ ऐसे ही वर्जन है जिसमें आपको पेड करना पड़ेगा और उस उसके अंतर्गत कुछ और फीचर्स ऐड हो जाएंगे जिससे आपका जो क्विज़ है वो और इंटरेस्टिंग बन सकता है लेकिन फ्री में भी जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो काफ़ी काम के काफ़ी काम के हैं काफी काम के, आप बहुत इंटरेस्टिंग क्विज़ बना सकते हैं जी जी आप आ, मैं इसमें एक ऑडियो फाइल भी ऐड कर सकती हूँ जिसके थ्रू मैं क्वेश्चन पूछ सकते हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मल्टीपल चॉइस ही आ, आ, मेरा जो क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस ही है लेकिन मैं यहाँ पर एक ऑडियो फाइल ऐड कर रही हूँ ये दिखाया गया है जहाँ पर क्वेश्चन है उसके राइट right साइड पे आप देख सकते हैं इमेज और एक ऑडियो फाइल जब आप इस ऑडियो फाइल को क्लिक करेंगे तो आप ड्रैग कर सकते हैं एक ऑडियो फाइल या तो आप ड्रैग कर दीजिए और यहीं पर ही एक माइक्रोफोन भी अवेलेबल है हम उसमें स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी करेंगे और वहाँ से भी अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि दे ये ऑडियो फाइल इस तरह से क्वेश्चन के नीचे आ जाएगा आप देख सकते हैं कि ऑडियो फाइल ये क्वेश्चन के नीचे आ गया है क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन है वो ऑडियो फाइल पे बेस है जी इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी की आवाज सुनानी है हाँ, आ, बिल्कुल, राइट। की जो टॉय ट्रेन है राइट उसकी आवाज सुनानी है और बच्चों से पूछना है कि ये कौन सी ट्रेन की आवाज है राइट आ, तो हाँ ये ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल जी जब आप इसको रन करेंगे तो इस तरह से कुछ ऑडियो फाइल आ जाएगी जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें से एक वॉइस आएगी एंड उसके थ्रू आपको ये आंसर करना है कि मेरी चॉइस कौन सी हो सकती है जी जी जी। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहां से मैं फाइल ले रही हूँ एम थ्री एम पी थ्री फाइल ऐड हो गई है स्टूडेंट रिव्यू में जब मैंने रन किया तो मैं इसको क्लिक करके सुन सकती हूं इसकी फाइल को और उसके अकॉर्डिंग ये आंसर कर सकते हैं जी तो ऑडियो और इमेज हाँ अभी हमने ऑडियो और इमेज किया है जी नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा है टाइप एंड आंसर इसमें आप आंसर टाइप करेंगे अब एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं और वो करेक्ट है तो इसमें कुछ ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि मेरे तीन चार करेक्ट आंसर हो तो स्टूडेंट कोई भी करेक्ट uh, आंसर लिख सकता है चलिए इसका देखती है कि कोई एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बनाया है जिसका आंसर लिखा है सेल वॉल सबमिट किया एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां पे करेक्ट आंसर में मैंने तीन चीजें लिखी है और एड एन आंसर में और भी आंसर यहां पर ऐड कर सकती हूँ स्टूडेंट कुछ भी ए, ए, एंटर कर सकता है अगर इसमें से एक भी है तो वो उसको मार्क्स मिलेंगे वो ट्रू है देखते हैं ये कैसे काम करता है आप देखिए मल्टीपल चॉइस अब मैंने लिया है टाइप एन आंसर यहां मैंने एक आंसर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है अब मैं सेकेंड आंसर ऐड कर रही हूं थर्ड आंसर स्टूडेंट रिव्यू में जब मैंने इसको रन किया इन तीनों में से मैंने तीन आंसर ऐड किए हैं अगर आप कुछ भी लिखेंगे सबमिट करेंगे तो करेक्ट वो करेक्ट आंसर होगा आप सेकेंड टाइम मैंने रन किया मैंने दूसरा आंसर लिखा है तो ये भी करेक्ट है लेटर्स क्वेश्चन टाइप मैंने लिया है स्क्रैम्बल लेटर्स एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है मुझे क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन करना पड़ेगा uh, एक फीचर्स विच सेक्सप्ले फीचर द कैरेक्टर Bianca, Rodrigo एंड Lodovico? अब ये इसका आंसर है ओथेलो आप देखेंगे कि ये किस तरह से आ गया है स्क्रीन पर और जब स्टूडेंट क्लिक करेगा तो एक एक कैरेक्टर यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में ऐड हो जाएगा इसको हम रन करके देखते हैं यहां देखिए मैंने लिया है स्क्रैम्बल लेटर और हम एक एक कैरेक्टर ऐड करेंगे नाउ द आंसर इज करेक्ट तो ये डिफरेंट वे है क्वेश्चन डिजाइन करने के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स तो मैंने क्वेश्चन टाइप लिया है ट्रू और फॉल्स एज द ह्यूमन बॉडी ग्रोज लार्जर द नंबर ऑफ बोन्स गेट स्मॉलर इज इट ट्रू और फॉल्स द क्वेश्चन इस तरह से आएगा स्क्रीन पे आप देखेंगे दो ऑप्शन आ गई ट्रू और फॉल्स इसकी वीडियो वर्जन देख लेते हैं आप इसको कैसे एंटर करेंगे आपने चूज किया ट्रू और फॉल्स ट्रू फॉल्स ऑलरेडी यहां आ जाएगा करेक्ट आंसर आपको क्लिक करना है और जब आप रन करके देखेंगे ट्रू द आंसर इज करेक्ट ग्रुपिंग आपने ग्रुप किया है क्वेश्चन को यहां देखिए येलो में ग्रुप किया है बनाना मैंगोल एप्पल को लेमन को और रेड में किया है चेरी एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी यहाँ पे ग्रुप किया है हमने तो क्वेश्चन मेरा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए आप स्क्रीन पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे आपको बनाना को ड्रैग करना है येलो पे चेरी को ड्रैग करना है रेड पे इस तरह से रेड और येलो में आपको ड्रैग करने हैं आंसर लेकिन अगर ये क्वेश्चन में इमेज हो तो मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा होगा इसको रन करके देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस में हमने लिया है ग्रुपिंग ये मल्टीपल चॉइस चॉइस क्वेश्चन है हाँ नहीं ग्रुपिंग 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 में ग्रुपिंग में है जी तो आ, दर्शकों को मुझे लगता है जो हमारे आज के व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहे हैं और कैसे ग्रुपिंग में आप क्विज क्रिएट कर सकते हैं हाँ। क्विज़राइज़ के माध्यम से आप ये सीख रहे हैं समझ रहे हैं और इसमें स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्ट आएगा जी और बेसिकली ये प्राइमरी क्लास के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इसमें आएगा लेकिन अगर इसकी जगह हम इमेज डाल दें तो देखिए ये कितना अच्छा लगेगा बिल्कुल तो हम इमेज भी डाल सकते हैं इमेज तो डालने है। में इसमें जब आप इमेज को कॉपी करते हैं एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इमेज जब हम कॉपी करेंगे तो जो बिगनिंग में एच टी टी पी एस कोलन टू स्लैश अपलोड डॉट क्विजलाइज डॉट कॉम स्लैश आएगा इसको इरेज करके हैश का साइन डालना इतना काम करना है इसको इरेज करके हैश का साइड डालना है बाकी प्रोसीजर सारा सेम है एक बार इसको देख लेते हैं हमने इसका यू आर एल यहां से कॉपी किया जी पेस्ट किया मतलब जिस सोर्स से आप इमेज उठा रहे हैं, हाँ, उस हाँ, सोर्स का आपने लिंक डाल दिया वहाँ पर। हाँ लिंक डाल दिया हमने ठीक है लेकिन जब इसको कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे आप देखेंगे जो बिगनिंग में, में मेरा है अपलोड्स डॉट उसको क्लिक करके हैश डालना ओके okay. उसको क्लिक करके हैश डालना और वहाँ से इमेज को डिलीट कर दो ठीक है फिर हमने सेकंड लिया ये थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे सॉफ्टवेयर से इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लगाना चाहती हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए, जाए क्लियर हो जाए। कि कैसे करना है यहाँ मैंने इस ग्रुप में मैंने तीन दिए हैं तो मैं कॉमा कॉमा करके सेकेंड वाला थर्ड वाला यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ बेसिकली जब आप छोटे बच्चों के लिए क्विज प्रिपेयर करते हैं तो बेटर ये होता है कि उसमें इमेजेस डालिए क्योंकि टेक्स्ट पढ़ने में उनको प्रॉब्लम भी होती है और इमेजेस वो थोड़ा सा एक फन वे भी हो जाता है इमेजेस के साथ इस तरह से हम सेकंड ग्रुप के सारे लिंक uh, यहां पर ऐड कर सकते हैं आई थिंक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है चलिए आगे देखते हैं कि और क्या इसमें कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन टाइप है हमारा लिंकिंग यहां पे देखिए मैंने लिंक किया है सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर गैस वाटर वेपर अब दो तरीके से हो सकता है या तो हम टेक्स्ट ही लें या फिर हम इसकी जगह इमेज डाल दें तो मेथड वही रहेगा कि हम इमेज कॉपी करेंगे लेकिन वो जो बिगनिंग का है उसको डिलीट करके हम हैश डाल देंगे तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं हम अगर मैंने टेक्स्ट डाला है तो मेरा कुछ इस तरह से आएगा और इसको ज्वाइन करने के लिए मुझे लेफ्ट में क्लिक करना है और फिर राइट में क्लिक करना है ताकि वो लिंक हो जाए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें इमेज कैसे डालनी है लेफ्ट साइड में मैंने लिखा सॉलिड लिक्विड गैस अब राइट right साइड में मुझे इमेज डालनी है टेक्स्ट के लिए तो मैं सिंपली टेक्स्ट एंटर कर दूंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है टीचर्स को यह भी देखना है कि क्विज थोड़ा इंटरेस्टिंग हो तो स्टूडेंट अच्छे से अटैम्प्ट भी करेंगे और स्टूडेंट्स वेट भी करते हैं कि टीचर कब क्विज देगी और कब हम अटैम्प्ट करेंगे तो ये तो हो गया टेक्स्ट के साथ अब देखते हैं यहां पर ऑलरेडी मैंने कुछ एड्रेसेस लिए हुए हैं आप देखेंगे कि बिगनिंग का मैंने डिलीट करके वहां पे हैश लिख दिया मेथड वही है वहां से एड्रेसेस लेने का कॉपी कराया और यहां पेस्ट किया और बिगनिंग का वो डिलीट करके मैंने यहां पे लिख दिया है हैश आई थिंक अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाए तो आप देखेंगे कि यहां पे पिक्चर आ रही है और स्टूडेंट्स को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा करने के लिए नेक्स्ट वन जो हम ले रहे हैं वो है ऑर्डरिंग अब द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई अब इसका एक ऑर्डर है ऑर्डर में मैंने इसको लिखा है फर्स्ट ऑर्डर क्या है एग कैटरपिलर क्रिसेल एंड द बटरफ्लाई ये चार ऑर्डर है इस ऑर्डर में दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई अब क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे इस फॉर्म में आएगा मुझे लेफ्ट साइड क्लिक करनी है और फिर राइट right साइड क्लिक करनी है तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करूंगी और फिर वन क्लिक करूंगी इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट हम यहां पर क्या दे सकते हैं हम यहां पर पिक्चर्स भी दे सकते हैं इस तरह से पिक्चर्स आ जाएंगे और जब आप देखेंगे तो पिक्चर्स ज्यादा अच्छी लगती है बजाय के टेक्स्ट के जंबल वर्ड्स ये बेसिकली इंग्लिश टीचर्स के लिए है यहां पे हमने लिखा है वट टाइम डज द ट्रेन लीव जम्बल वर्ड्स हैं आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन पर कैसे आएंगे इस तरह से स्क्रीन पर आएंगे अब स्टूडेंट इसको क्लिक करेंगे और यहां पर वर्ड्स आ जाएंगे जी तो बेसिकली ये इंग्लिश uh, टीचर के लिए बहुत बेनिफिशियल है अब कुछ क्वेश्चन है वेटेड क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन टाइप क्या है मेरा वेट विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई यहां पे मैंने वेट दिया हुआ है हंड्रेड वन फिफ्टी और नीचे मैंने वेट दिया हुआ है जीरो तो अगर जीरो है तो वो फॉल्स है और अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो ट्रू है तो यहां पर वो कोई भी आंसर लिख सकता है यहां पर ट्रू होगा अगर उसने एमओ लिखा है तो वो भी ट्रू होगा पेंगविल लिखा है तो वो भी ट्रू होगा तो इसमें मल्टीपल चॉइसेस ट्रू हो सकती हैं। ओके। okay. हाँ। मल्टीपल मतलब चॉइसेस। एक अकेला उत्तर जो है, वो ट्रू नहीं होगा। कई सारे ऑप्शंस ट्रू के हो सकते हैं। हाँ। जी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हम दे सकते हैं। चलिए प्रेजेंटेशन में देखिए आगे। आ, अब मुझे लगता है मुझे प्रैक्टिकली करके दिखा देना चाहिए जी है ना जी ओके okay. मैं अभी ब्राउजर में हूँ और मैंने लिखा है क्विजलाइज डॉट कॉम और मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ टीचर्स तो अभी तक आपने देखा टेम्पलेट्स किस हाँ, तरह से? किस तरह के क्वेश्चंस uh, आएंगे? आएंगे और अब इसमें आप देखेंगे कि कैसे खुद आप जनरेट कर सकते हैं, करते हैं। तो ये मैम करने जा रही हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है तो मैंने कहा इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं आप देखेंगे ये ऑप्शन माई क्लासेज फाइंड रिसोर्सेज माई लाइब्रेरी क्रिएट यहाँ पे अवेलेबल है माई क्लासेज में मैंने क्लिक किया आप देखेंगे माई फर्स्ट क्लास ये फ्री वर्जन में अवेलेबल है यहाँ पे मैंने कुछ एक्टिविटी डाली हुई है अगर मुझे और क्लासेज ऐड करनी है तो वो पेड वर्जन है मैं इसको गूगल ग्रुप के साथ भी अटैच कर सकती हूँ कई स्कूलों में एल एम एस गूगल ग्रुप भी है गूगल क्लासरूम सेकेंड फाइंड रिसोर्सेज में आप देखेंगे ये रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है मैंने आपको दिखाया था कंप्यूटर साइंस क्लिक किया और स्क्रैच क्लिक किया था और यहाँ से मैंने ओपन किया तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये क्विज़ बन के रेडी हो गया यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एडिट द क्वेश्चन ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने हैं ये क्विज रेडी है इसको आप क्लास को दे सकते हैं सेव एंड गिव इट टू द क्लास राइट में एक ऑप्शन है जी तो एक मिनट में मेरा ये क्विज रेडी हो गया यहां मैं ऑप्शन को क्लोज कर रही हूं आर यू श्योर यस माय लाइब्रेरी में आप देखेंगे कि मेरे पास बहुत सारी क्विज मैंने बनाए हुए हैं अब क्रिएट के ऑप्शन में आ जाइए मेक ए स्मार्ट क्विज विद हेल्प ऑफ एआई मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्टार्ट ए न्यू क्विज मैंने एक टॉपिक एंटर किया अस से ह्यूमन बॉडी डिफरेंट लैंग्वेज में भी हो सकता है ये जी जी. ये इंग्लिश में है मैं हिंदी uh, में करना चाहती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे हम हिंदी के ऑप्शन अवेलेबल है यस yes. यहाँ से हम हिंदी ले लेंगे फिफ्थ क्लास के लिए ह्यूमन बॉडी ये देखिए कुछ सजेशन आएंगे मेरे पास राइट right साइड पे जो प्रीफिक्स क्वेश्चन हाँ जी मानव शरीर में श्वास कहाँ कहाँ स्थित होता है, है प्लस साइन मैंने किया मुझे ये क्वेश्चन चाहिए सेकंड को भी मैंने प्लस साइन क्लिक किया तो जो क्वेश्चन मुझे चाहिए देखिए ये यहाँ पर आ गए हैं अगर मुझे लगता है कि मुझे इसकी लैंग्वेज को चेंज करना है तो मैं उसको एडिट कर सकते हैं। चलिए मुझे इतने क्वेश्चंस चाहिए सेव एंड प्रीव्यू, सेव एंड प्रीव्यू। आप देखिए ये अवेलेबल है एडिट कर सकते हैं क्वेश्चन और हम क्लास को भी दे सकते हैं देखिए कितना इजी है क्रिएट करना और जो दूसरा मेथड है क्लासिक क्विज एडिटर यहां पे आप देखिए कि अपलोड कर सकते हैं कोई भी पिक्चर उसके मेथड अभी हमने की है क्विज का टाइटल यहां पर देना है और आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं अभी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहां से किए हैं यहां देखिए ये यह सीरीज है कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आप दे सकते हैं यहां पर दिए हुए हैं और बाकी हमने अभी बहुत डिटेल में इसको किया है जी अब मुझे देखना है कि अगर मैंने क्विज बना लिया है तो मैं अपनी क्लास को इसको कैसे दे सकती हूं यहां पर आप देखेंगे तीन डॉट्स हैं इसको अगर हम क्लिक करेंगे स्टूडेंट रिव्यू स्टार्ट ए क्लास गेम गिव इट एज ए होमवर्क आई वॉन्ट टू गिव इट एज ए होम वर्क गिव एज होमवर्क ह्यूमन बॉडी क्विज एड ए गेम गिव इट टू द क्लास अब मैंने इसको एज ए गेम दिया है आप देखेंगे रैंडमाइज क्वेश्चन ऑर्डर रैंडम फॉर्म में आए ये नंबर ऑफ अटेम्प कैसे देने हैं अनलिमिटेड करने हैं या वन टू थ्री फोर देने हैं यहाँ से हम दे सकते हैं मतलब एक बार अगर गलत आ, हो गया आ, तो स्टूडेंट फिर से अटेंट और हाँ, तो एक ही बार का हाँ, अगर हमें हमें लेना है तो एक बार एक बार का देते हैं और अगर हमें उनको देखना है कि उनके टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं तो हमें नंबर ऑफ अटेम्प जी नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे आए या कैसे आए वन टू थ्री ये हमारी चॉइस है ठीक है अगर हम एग्जाम मोड करते हैं तो आप देखेंगे कि एग्जाम मोड में कंफर्म एब स्किप आंसर ये अपने आप आंसर okay. नहीं आएगा ओके okay. है ना? तो इस तरह से हम इन्हें दे सकते हैं और यहाँ पर देखिए स्टार्ट एक्टिविटी इसका टाइम क्या होगा एंड टाइम क्या होगा okay. क्योंकि अगर एग्जाम है तो वो तो टाइम पर ही होगा मतलब जब आपने शेयर कर दिया हाँ। तो वो किस डेट में किस समय ओपन होगा हाँ। और उसी फिक्स uh, समय पर ही वो खत्म वो ये हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि आपको इसी टाइम ही एग्जाम लेना है जी जी और इस दिन जी तो ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं ठीक है अब मैं एक ऑप्शन को लेके डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ये जो टाइमिंग का है ये छुट्टियों के दिनों में जब एग्जाम के बाद की छुट्टियां होती हैं हाँ उस समय भी असेसमेंट के लिए टीचर्स बिल्कुल कर, कर सकते हैं, सकते हैं। और बच्चों को टाइमिंग का फिक्स रहने से एक फायदा ये होगा कि वो टाइम पर बैठेंगे टाइम में ही खत्म करना है बिल्कुल। तो पंकचुअलिटी की आदत हाँ। बनी रहेगी और टीचर अपने आप ऑनलाइन होता है ये घर बैठ घर बैठ के आप कर सकते हैं बच्चे भी घर बैठ के कर सकते जी, हैं मोबाइल में भी एप्लीकेशन ले सकते हैं इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन किसी ऐप की जरूरत नहीं है ये बहुत अच्छी बात है कि ओपन नेटवर्क है ओपन प्लेटफॉर्म हाँ, है अब यहाँ से मैं ये तीन डॉट्स मैंने पिकअप किए और मैं आपको एनालिसिस दिखा रही हूँ अब बच्चे कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको बच्चे क्या करेंगे ब्राउजर ओपन करके लिखेंगे ओके और कोड डालेंगे जेड वी वी थ्री सिक्स फोर फाइव तो ये सेम जी। मैंने कहा ना कि कोई ऐप की जरूरत नहीं कुछ नहीं करना सिर्फ जी। ये लिखना है और इसमें एज ए टीचर आप बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे किसी ने मैंने क्विज बनाया तो तीन लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो ये लीडरशिप बोर्ड देखिए ये लीडरशिप बोर्ड आ गया तो मुझे क्लियर हो गया कि हाँ नौ क्वेश्चन थे इनके साथ साथ आए और इसके छः नंबर आए ओके okay. हाँ तो यहाँ से मैं ले सकती हूँ तो जब और कोड, भी जब हाँ कोड डाला जाएगा मैम हाँ जी तो उसमें स्टूडेंट्स अपना डिटेल भी फिल करेगा सिर्फ स्टूडेंट्स को अपना नाम डालना है और कोड डालना है ओके okay. बस ठीक। और वैसे कोड से ही ओपन हो जाएगा नाम की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है नहीं तो टीचर को पता कैसे चलेगा कि किस स्टूडेंट का आंसर है उसके लिए तो नाम हो हाँ ये यहाँ पर आ जाएगा ना हाँ, ये मैं देख रही हूँ हाँ तो नाम डालेंगे हाँ, नाम तो डालना नाम पड़ेगा, तो पड़ेगा हाँ तभी ये नाम से आएगा या स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू जैसे भी टीचर ने अलॉट किया है दिया, है। दिया जी नेक्स्ट हु नीड्स हेल्प अब ये तीन है हु नीड्स हेल्प एक क्लियर कर, आ, मैंने एक को क्लिक किया तो ये मुझे क्लियर हो गया कि हाँ सेकेंड क्वेश्चन रॉन्ग था और ये लास्ट के दो रॉन्ग है ओके अब मैं दूसरा क्लिक करती हूँ कि कौन से रॉन्ग है ये रॉन्ग है ओके okay. और अगर मुझे लिस्ट चाहिए और मुझे देखना है एज ए टीचर कि मुझे कौन सा टॉपिक रिपीट करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है के यहाँ पर ये यह आप देखिए ये मेरे पास एक रिजल्ट टेबल आ गया ऐसे पूरी क्लास का तो आ जाएगा तो एज ए टीचर है तो एज ए टीचर मुझे भी क्लियर हो जाएगा मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट रिपीट करना है? जी जी यहाँ पे एक चूज टास्क भी है डिपेंड कि अगर स्टूडेंट के 50 परसेंट लेस देन 50 परसेंट मार्क्स आए हैं तो कौन सा रिसोर्स उसको पढ़ना चाहिए वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एज ए लिंक एज ए पी और एज ए यूट्यूब ओके अगर स्टूडेंट के 50 टू 80 परसेंट आए हैं तो उसको कौन सा रिसोर्स पढ़ना चाहिए और अगर मोर देन एटी परसेंट आया है तो कौन सा रिसोर्स पढ़ना चाहिए आइडिया ये है कि सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और पूरे मार्क्स आ जाए बहुत ही तो अच्छा ये जाएं। और अगर जैसे मैंने आपको एनालिसिस दिखाया अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सके जी तो टीचर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि अगर वो इस तरह से रिसोर्स दे दे और फिर एक बार नेक्स्ट टाइम और एक टेस्ट दे दे तो पता लगेगा की हाँ पहले और अब क्या फर्क है तो उससे टीचर अपने पैटर्न को आगे कंटिन्यू कर सकता है हाँ जी से उनकी एक्सपेरिमेंट हाँ। रहेगा और मैंने बताया कि आ, फ्री वर्जन में एक ही एक्टिविटी अवेलेबल है जिस, जो मैं डाउनलोड कर सकती हूँ और देखिए मेरा रिजल्ट जो आ गया है पूरा एक्सेल फाइल में आ गया है यहाँ से मैं एक्सेल फाइल ले रही हूँ तो एक्सेल फाइल में पूरी डिटेल आ जाएगी ये देखिए जी अगर ये मेरे पास है तो एज ए टीचर ये मेरे लिए भी बेनिफिशियल है जी और स्टूडेंट के उनकी मुझे स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट कैसे देनी है और अगर यही आपको एक्सेल शीट खुद फॉर्म करनी हो मैनुअली आपको टेस्ट लेना हो तो इसमें बहुत सारा समय लग सकता बहुत है बहुत ज्यादा तो जिन स्टूडेंट जिन टीचर्स के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो असेसमेंट का तरीका है क्विजलाइज हाँ। के माध्यम से वो बहुत आसान है बहुत आसान है बिल्कुल अब हमारे पास मैम बहुत कम समय रह गया है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं अगर बताने के लिए तो वो आप जरूर शेयर कर दीजिए उसके बाद हम साइन कर करेंगे बस एक बार मैं ये क्रिएट पे जाना चाहती हूँ और आ, एक स्मार्ट क्विज़ फिर से एक कुछ बनाते हैं हम लोग जी रेस्परेटरी सिस्टम सिस्टम तो जनरली ये फिफ्थ सिक्स में होता है तो मैं इस बार इंग्लिश में ले रही हूँ जी तो ये कुछ सजेशंस हैं जो सामने आ जाएंगे हाँ एक बार ये ऑप्शन आ जाए मैं इनको ऐड कर दूँ जी और ये ऑप्शन जब तक आ रहा है तब तक एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि आ, क्या इसमें मैथ्स और साइंस के भी हाँ, सवाल हाँ, वो आ, भी कर सकते हैं और... वो भी कर सकते हैं इसमें फॉन्ट अवेलेबल है जी, के और मैथ्स के सिंबल्स अवेलेबल हैं वो आप ऐड कर सकते हैं जी गूगल इनपुट टूल के थ्रू आप हिंदी में भी बना सकते हैं खुद भी टाइप कर सकते हैं हाँ जी है। खुद है। भी टाइप कर सकते हैं ठीक है और आजकल तो ये सिंबल्स अवेलेबल हैं आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं हिंदी हमने देखी हाँ हिंदी में हाँ सवाल पूछे जा सकते हैं हाँ जी तो बहुत उपयोगी है और बहुत आसान है और एक चलते चलते एक बात और आपसे मैं पूछू हाँ कि हाँ क्या इसमें हाउ टू यूज आ, का ऑप्शन जैसे जो आप आपने जो पॉइंट्स बताए हैं हाँ जी। वो तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने देख लिया है हाँ लेकिन अगर कुछ सवाल उनके मन में है जो वो पूछना चाहते थे हाँ नहीं पूछ पाए या बाद में ये वीडियो देख रहे हैं जब लाइव सेशन खत्म हो गया है तो उस दौरान ये क्या उसमें हाउ टू यूज या हाउ टू क्रिएट हाउ टू क्रिएट क्विज़ ये ऑप्शंस इसमें है गाइडलाइंस हाउ टू क्रिएट तो इसके लिए मैं आपको देना चाहती हूं uh, मैंने इसमें हेल्प हेल्प की हेल्प की हेल्प की बात, मतलब, बात कर रहा की बात की तो हाँ। मैं आप ये नोट कर सकते हैं जी uh, जिसके थ्रू मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखाए थे जी। तो आप यहाँ से ले सकते हैं help.quizalize.com ओके okay. help.quizalize.com तो यहाँ से अगर कुछ पॉइंट आपके मन में कुछ सवाल ऐसे हैं जो छूट गए हैं जिसका उत्तर आपको नहीं मिल पाया या ये सेशन कई बार होता है कि की हाँ, अगर आपने अभी नहीं देखा बाद में देख हाँ यूट्यूब पर एन सी आर टी ऑफिशियल पर तो इस तरह से quiz के माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं इसमें क्विज लाइज से कंसर्न जितने भी क्वेश्चन हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे देने हैं क्या करना है सब कुछ अवेलेबल है जी चलिए तो उम्मीद करते हैं आज का ये वेबिनार आई का जो ये सीरीज़ है इसके अंतर्गत आज, आज आपने जो वेबिनार देखा इसमें आपने समझा कि क्विज अलाइज़ के माध्यम से कैसे क्विज जनरेट कर सकते हैं और कैसे शैक्षणिक कार्यों में क्विज़ जनरेट करना और क्विज़ का जो प्रोसेस है वो आपके लिए और बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग और ईजी हो जाता है पूरे शैक्षणिक गतिविधि के लिए और ये सब कुछ बताया हमें संगीता पांचाल मैम ने जो कि आईसीटी आईसीडी टीचर हैं है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा सब बताकर जी और आ, उम्मीद करते हैं दर्शकों को आज का ये सत्र पसंद आया होगा तो इसी के साथ दीजिए अनुमति आज का सत्र समाप्त करने की लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ लगातार क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी पाँच बजे हम लेकर आएंगे आपके लिए सहयोग सेशन और सहयोग के अंतर्गत मानसिक और शारीरिक तौर पर छात्रों को फिट रहने के टिप्स दिए जाते हैं और इसके अंतर्गत साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड ग्रोथ माइंडसेट इस पर आज चर्चा होगी तो दीजिए मुझे देवेंद्र त्रिपाठी को आज का सत्र समाप्त करने की अनुमति लेकिन आप बने रहिए ई विद्या के साथ नमस्कार धन्यवाद